साईं की बात बच्चे, तुम्हारी जिंदगी को ना मैं एक नई दिशा की तरफ मोड़ रहा हूँ मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारे सारे सपने सारे इच्छाएं पूरी होंगी मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारी एक एक इच्छा, तुम्हारे एक एक सपने जो तुमने मुझसे कहे हैं ना, और जो तुमने मुझसे नहीं भी कहे हैं, वो सब पूरे होंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हें अब सफलता मिलेगी। तुमने जितना भी अपने ज़िंदगी में संघर्ष किया है ना, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है मेरे बच्चे। तुमने अपने ज़िंदगी में जितना भी परिश्रम किया है ना, उसका फल तुम्हें अब मिलेगा। तुम देखना, जो जो तुमसे छीना गया है ना, वो सब तुम्हें वापस मिलेगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम देखना, तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी, तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूंगा, तुम्हारे झोली में इतनी सारी खुशियाँ भर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे मेरे बच्चे। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, जो छिन गया है वो सोचना छोड़ दो, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, इतना दूंगा जितना छिना है ना, उससे कहीं दुगना दूंगा। जो गया उसे जाने दो, उसे सोचकर परेशान मत हुआ करो मेरे बच्चे। और हाँ, जिसने तुम्हारा पैसा मारा है ना, उसे मैं लौटाऊंगा किसी और जरिए से, किसी और तरीके से मेरे बच्चे, तुम्हें वो वापस मिलेगा। तुम देखना, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान रहते हो इस वजह से, लेकिन चिंता मत करो, वो तुम्हें वापस मिलेगा। ये तुमसे मैं कह रहा हूँ, साईं कह रहा है ना, अपने साईं पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और शांत होकर बैठ जाओ, यूँ रोज़ रोज़ परेशान मत हुआ करो। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे शान में, शौकत में, दिखावे में जा रहे हैं ज़्यादा, तो मेरे बच्चे ज़्यादा दिखावे में मत जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी भलाई उसमें नहीं है मेरे बच्चे। जो है ना तुम्हारे पास, उसमें सीमित रहो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, दिखावे के चक्कर में तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, और फिर परेशानी तुम्हें ही भुगतनी होगी। सुन रहे हो ना तुम, तो जो है उसमें बिताओ। और हाँ, जो गलती तुमसे हुई है ना अपने पिछले ज़िंदगी में, तो मेरे बच्चे उसे भूल जाओ, आगे सुधार करो। तुम्हारी एक नई ज़िंदगी है आगे मेरे बच्चे, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तो जो हो गया उसे जाने भी दो मेरे बच्चे। ये सोच सोच कर अपना वक्त को बर्बाद मत करो, तो जितना वक्त है ना तुम्हारी ज़िंदगी का, उसे खुशी से बिताओ ना मेरे बच्चे। जितना खो चुके हो उसे जाने दो, उससे कहीं ज़्यादा मैं दूंगा ना मेरे बच्चे। तुम्हें तो अपने एक एक अपने कीमती समय को बचाना होगा, अपने लिए खुशियाँ खुद करनी होंगी मेरे बच्चे। जब तक तुम खुश नहीं रहोगे ना, तो तुम कभी किसी को खुश नहीं रख पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें खुद अपने लिए खुशियाँ ढूंढनी होगी, खुद खुश रहना होगा, तभी तुम्हारे आसपास सादा वातावरण रहेगा खुशी का मेरे बच्चे। तो खुश रहना सीखो मेरे बच्चे, तभी तो तुम अपनों को भी खुश रख पाओगे। तुम्हारी तकदीर है ना, तुम्हें खुद बनानी होगी, अपने दम पर बनानी होगी मेरे बच्चे। और जो तुम दूसरों पर आश्रित रहते हो ना, जो तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते हैं, तो उसकी चिंता मत करो, एक दिन आएगा वो लोग तुम्हें भी पहचानेंगे तुम्हारे नाम से। तुम्हें खुद अपनी पहचान बनानी होगी मेरे बच्चे, उसमें साथ मैं दूंगा तुम्हारा, तुम्हारा साईं देगा। तुम जो चाहोगे ना, तुम वो करोगे, एक समय वो आएगा कि तुम बस सोचोगे और वो काम हो जाएगा। तुम देखना, तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी होगी। और हाँ, ये वक्त है ना अपनी कमियों को देखने का नहीं है, अपनी लाचारी को देखने का नहीं है मेरे बच्चे, ये वक्त है अपनी ताकत पर ध्यान दो। तुम्हारी कमज़ोरी नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ताकत को आगे बढ़ाना होगा, हिम्मत लानी होगी और आगे बढ़ना होगा। तुम्हें तो बहुत कुछ करना है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। अपने आप को यूँ अकेला बैठकर, सोच सोच कर, अपने आप को यूँ परेशान कर कमज़ोर समझकर नहीं बैठना, आगे निकलो, बाहर निकलो, बाहर लोगों से मिलो। तुमने जो अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा बना रखी है ना, उसे छोड़ो मेरे बच्चे, बाहर निकलो, सकारात्मक
दुनिया है मेरे बच्चे, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, फिर देखना तुम सब कुछ करोगे। तुम एक दिन ऐसा आएगा ना कि सब कुछ करोगे। और हाँ, जो ये फिजूल खर्ची कर रहे हो ना, कीमती चीज़ें या कुछ भी उपयोगी चीज़ें मत लो मेरे बच्चे अभी, क्योंकि अभी तुम्हें एक धन को एकत्रित करना होगा जो तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। तुम कीमती चीज़ें तो कभी भी ले सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन अभी ये वक्त धन एकत्रित करने का है। इससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहेगा, तुम्हें परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चे, और जहाँ भी कमी होगी ना वहाँ मैं पूरी करूँगा मेरे बच्चे। और हाँ, किसी की बातों में आकर ना मुझे कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। तुम जब जब साईं की पूजा पाठ करते जाओगे ना, जब जब तुम मेरा नाम स्मरण करते जाओगे, तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा मेरे बच्चे। तुम इस लायक बन जाओगे कि तुम लोगों से लड़ पाओगे, अपने लिए लड़ पाओगे मेरे बच्चे। तो कभी भी मुझे मत छोड़ना, किसी की भी बातों में आकर मुझे मत छोड़ना, कभी अपने साईं को मत छोड़ना मेरे बच्चे। क्योंकि लोगों का काम है तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ढकेलना, लेकिन तुम्हें सकारात्मक रहना होगा मेरे बच्चे, सकारात्मक रहना होगा। और हाँ, बुरे समय में लोग तो तुम्हारी निंदा करेंगे ही करेंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करो, ये वक्त है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे मेरे बच्चे। विश्वास रखना अपनी साईं की बातों पर, तुम देखना वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इस ज़माने पे मत जाओ मेरे बच्चे, ये ज़माना है ही ऐसा, वक्त के हिसाब से चलता है। जिस पर पैसा होता है उसकी लोग सुनते हैं। आज तुम्हारे पास नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम बहुत आगे जाओगे, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखना। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनका काम काज नहीं चल रहा। तो मेरे बच्चे, यूँ नकारात्मक बैठकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तभी तरक्की मिलेगी ना मेरे बच्चे। ऐसा यूँ बैठकर कुछ हल नहीं निकलेगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, कुछ करना होगा। और बाकी तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जो भी करो अपने साईं का नाम लेकर करो मेरे बच्चे। और अपने दुकान में, अपने व्यवसाय में मेरा जल छिड़काव करो, और मेरा 11 बार नाम स्मरण किया करो सुबह शाम। उसके बाद अपनी दुकान खोला करो मेरे बच्चे, तुम देखना धीरे धीरे करके सब ठीक होगा। तुम्हारा जिंदगी में मैं इतना उजाला कर दूंगा ना, इतना उजाला रहेगा ना कि देखना कभी अंधेरा नहीं आएगा। चिंता सब मुझ पर छोड़ दो, अपने साईं के चरणों पे छोड़ दो मेरे बच्चे। जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना तुम्हारे ऊपर, उसे तो मैं एक एक करके तुमसे दूर करता जाता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें तो पता भी नहीं होता। होनी अनहोनी को सबको टालता जाता हूँ मेरे बच्चे, सब टालता हूँ। तुम्हारी तो हर पुकार, हर सुनवाई सुनता हूँ मेरे बच्चे, जो जो तुम मुझसे कहते हो ना मैं सब सुनता हूँ। मैं जानता हूँ अभी कुछ कारण से तुम्हें कुछ कष्ट उठाना पड़ रहा है, मैं जानता हूँ, पर ये समस्या जो निकली है ना, ये बहुत छोटी सी करके मैंने निकाल दी है मेरे बच्चे, टाल दी है, जो बहुत बड़ी हो सकती थी तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ जो कष्ट आया है ना तुम्हारे ऊपर, ये मैंने बहुत बड़ा था जो टाल दिया है मेरे बच्चे। चिंता मत करो, तुम्हारी हर संकट को, हर बुराइयों को मैं टालूंगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे घर में सफाई नहीं करते हैं, यूँ आलस में बैठ जाते हैं, तो मेरे बच्चे साई हमेशा सफाई में वास करता है, मुझे हमेशा साफ सुथरा घर पसंद है। तो घर में सफाई किया करो मेरे बच्चे, यूँ बैठ कर नहीं वक्त बताया करो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ विशेष देने वाला हूँ मेरे बच्चे, कुछ खास जो सिर्फ मेरे कुछ ही बच्चों के लिए होता है, तुम देखना। पर उसे पाने के बाद वादा करो, तुम्हारे अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर हमेशा नम्रता ही रहेगी, कभी तुम किसी पर भी अपना घमंड नहीं दिखाओगे, अहंकार नहीं दिखाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें दूंगा, बहुत कुछ दूंगा मेरे बच्चे। और हाँ, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तुम देखना, सारा काम तुम्हारा यूँ चलता जाएगा जैसे कुछ है ही नहीं। जिस काम में भी तुम हाथ डालोगे ना, वो कार्य तुम्हारा होगा मेरे बच्चे, तुम देखना, सारे कार्य तुम्हारे होते चले जाएंगे, अब कोई विघ्न नहीं आएगा। और जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, अपने साईं को याद कर लेना, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। एक एक करके तुम्हारी सारी परेशानियों खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अब खुश भी हो जाओ मेरे बच्चे, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे।